ये लोगों की मस्तियाँ देखो, लेक में पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता, जबकि पानी के अंदर भाई बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सो फाइनली आई एम जस्ट एट द लेक एंड दिस इज माय फेवरेट प्लेस ऑफ द लेक। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे ब्लॉग शूट किए हैं, आपने देखा होगा। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ब्लॉग की शुरुआत आफ्टर नमाज हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जुमे का दिन है और 2 अगस्त है। आरिफ भाई के साथ मैं ब्लॉग शुरू किया और आरिफ भाई मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है, मेरे उनके हाथ में मेरा फ़ोन है। सो अब इस ब्लॉग में भी नैनीताल की अपडेट देते हैं, बिकॉज ऑफ की 2 दिन से मैं यहीं हूँ नैनीताल। भीमताल होटल पर जाना नहीं हुआ है, जो हमारा होटल मोर है, तो फिर आज मैंने यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बाकी मेरे पीछे देखिए वेदर शानदार सा, और हमारे सामने की तरफ को देखेंगे तो भाई बहुत शानदार से बादल आ रखे हैं, जो हमारे बिल्कुल सामने ही लेक के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर चल रहे हैं। तो हम भी आपको दिखाते हैं और हम भी उधर ही को चलेंगे, मतलब जहाँ पर बादल चल रहे हैं। बाकी सामने जहाँ पर ट्रॉली वाला एरिया है, रोपे वाला एरिया है, वो वाला एरिया देखिए भाई कितना शानदार हो रहा है। बाकी यहाँ पर को कल कितना दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला मैच हुआ था जो आपने देखा लास्ट व्लॉग में मेरे। बाकी सामने भाई अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कितनी प्यारी है। बाकी इधर को पार्किंग भी ऑलमोस्ट फुल चल रही है, मतलब इतने एरिया में तो पार्किंग फुल रहती है हमेशा, साल के 12 महीने यहाँ पर अच्छा खासा मतलब क्राउड होता है इस एरिया में। बाकी तिब्बत मार्केट हो गई उस साइड में, और ये वाला एरिया हो गया हमारा लेक वाला, वो माल रोड हो गया। अभी जा रहे हैं हम सामने जो मेरा फेवरेट एरिया है, तो अभी वहाँ को चलते हैं। आरिफ भाई को भी ले जा रहे हैं अपने फेवरेट प्लेस पर, और नैनीताल का जो लेक है सोच रहे हैं इन्हें उसमें नहला दिया जाए आज, तो देखते हैं नैनीताल में नहाएंगे क्या आज आरिफ भाई। सामने देख रहे हैं भाई अमेजिंग क्रिएटिविटी होने वाली है, अभी पूरे में फॉग लग जाएंगे, इतना मज़ा आएगा ना उसके बाद, मतलब एक दूसरे को कोई नहीं देख पाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और इस ठंड के लिए काफ़ी सारे लोग इस लेक के अंदर मज़े कर रहे हैं, बाहर बाहर से आए हुए हैं, मतलब बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं लोग, तो काफ़ी मज़े कर रहे हैं। नीचे देखो फिशेस भाई, कितनी लवली फिशेस हैं, रेड वाली देखो, अलग ही लग रही है भाई, वो अलग ही इंजॉय कर रही है। बिकॉज ऑफ की इधर को कुछ लोग खाना डाल रहे हैं, इसे जहाँ पर कोई ना कुछ डालते हैं लोग वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ जबकि बंद कर रखा है, बैन है, उसके बाद भी यहाँ पर मछलियों को लोग खाना वाना डालते रहते हैं। ये लिखा नैनी झील में, ये देखिए नैनी झील की मछलियों को दाना चारा खिलाना मना है, बट उसके बाद भी यहाँ पर को दाना चारा सब खिलाते हैं लोग। तो फाइनली आई एम जस्ट एट द लेक एंड दिस इज माई फेवरेट प्लेस ऑफ द लेक। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे ब्लॉग शूट किए हैं, आपने देखा होगा, मोस्टली मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग्स यहीं के होते थे, थोड़े बाल मेरे गड़बड़ हो गए बिकॉज ऑफ कि मैंने जो टोपी लगा रखी थी तो गीले थे मतलब उस वक्त। बाकी पीछे का नज़ारा भाई, ये लोगों की मस्तियाँ देखो, लेक में पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता, जबकि पानी के अंदर भाई बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ का मामला होता है, कुछ भी हो सकता है। और लोग ड्रिंक करने के बाद भी, और ड्रिंक करने के बाद अलाउड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मेरे ख्याल से यहाँ लगे होंगे बोट, लेकिन फिर भी कहाँ मानेंगे। हाँ लिखा है शराब ले जाना, शराब पी करके जाना उसके अंदर बिल्कुल मना है, लेकिन लोगों को देखो अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा अल्लाह गुल्ला कर रहे थे आपस में, मतलब मैं इधर बैठूँगा उधर बैठूँगा, कभी कोई इधर उधर हो जाए धक्का मुक्की में। और कल इधर की साइड में एक छोटा सा लैंड स्लाइड हुआ था, बट मैं गया नहीं वहाँ पर को, यहीं पे बता रहे थे मुझे, मैंने एक ब्लॉग में भी देखा था, रोहित भाई मिले थे मुझे, रोहित वर्मा जी को आप देखते होंगे, कई सारी ऑडियंस हमारी सेम ही है, तो मतलब देखा होगा इन्हों, तो उसमें मैंने देखा उनके ब्लॉग में भी, और उन्होंने भी मेरे को बताया कल मुलाकात हुई उनसे मेरी। तो सामने देखिए भाई ये मैजिक हो जाता है यहाँ, मतलब 2 घंटे के अंदर यहाँ पर आपको कुछ भी हो सकता है, बारिश भी पड़ सकती है, बर्फ़ भी पड़ सकती है भाई, और ये मैजिक कभी भी चेंज हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाएगा, तो बहुत मज़ा आता है इस वेदर के अंदर भी, और यहाँ के हर एक वेदर के अंदर ना अलग ही मज़ा है, अलग ही फील है, तो अलग ही वाइब्स मिलेंगे आपको, चाहे वो आप ठंड में रहें या फिर बारिश में रहें, बारिश में भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा रहता है रिस्की कि कहीं पर पहाड़ वहाड़ है तो कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, होता भी है, तो चलो उससे खैर आप डेली तो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत तो कहीं होगा ही पहाड़ों में। बाकी का नैनीताल बहुत सस्ता हो गया इस वक्त, अगर नैनीताल इंजॉय करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर इंजॉय एंड रीजनेबल टाइम, तो आप इंजॉय करने के लिए अगर आ रहे हैं नैनीताल तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बिकॉज ये काफ़ी रिजनेबल पड़ जाते हैं आपको प्राइस, लाइक होटल, बाइक, स्कूटी, टैक्सी और चीज़ें मतलब बजट में आ जाती हैं, तो अगर आपने इंजॉय करना है आ सकते हैं। अच्छे देखिए फॉक, तो ये ऐसे ही आते रहेगा, बढ़ते रहेगा, पूरे में एकदम से वाइट हो जाएगा, यहाँ पूरे में हो जाएगा, मतलब हम लोग भी इसके अंदर बादल के अंदर समा जाएंगे थोड़ी बहुत देर के बाद, अगर काफ़ी ज़्यादा आता है तो। वैसे मोस्टली क्या होता है ना, ऊपर के एरिया में आता है, जो चोटी है ऊपर की, जो ऊपर की हाइएस्ट मतलब पीक हैं उनके ऊपर ज़्यादा रहता है, बाकी नीचे की साइड में थोड़ा कम रहता है,
क्योंकि उड़ता है ना हवा से, फिर नीचे ज़मीन पर से थोड़ा ऊपर ही रहता है, पता नहीं होता है क्या होता है। चलो अभी हम चलते हैं वापस और ऊपर देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, बाकी ब्लॉग शूट करते हुए चलेंगे घर की तरफ। कुछ लोग इधर भी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्राउड आ रखा है क्योंकि फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, तो वीकेंड पे यहाँ पर अच्छा क्राउड आ जाता है। अरे भाई पापड़ खाना चाहते हैं, एक दे दो भाई हमें 10 वाला। लालम खड़े नैनीताल का मेन बोट स्टैंड, मतलब सबसे बड़ा बोट स्टैंड, जहाँ पर आपको बहुत ही इजीली यहाँ बोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी बोट्स आपको यहाँ लगी हुई मिल जाएंगे, बहुत सारे बोट्स कराने वाले आपको यहाँ खड़े होंगे जिनकी बोट्स होंगी, तो आपको इजीली ले जाएंगे वहाँ काउंटर पे एंड वहाँ से आपको टिकट दिला करके बोटिंग राइड करा के निकाल, तो बहुत ही शानदार होता है। और नैनीताल में आने के बाद में मतलब बोटिंग नहीं करिए तो कुछ भी नहीं करें, ये समझ लीजिए आप, तो बोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बोटिंग करने के बाद ही आपको फील होगा कि नैनीताल घूमा है हमने, इंजॉय किया। एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से स्टार्ट करें नैनादेवी टेम्पल, उसके बाद यहाँ के जो 7-11 पॉइंट्स हैं वो कवर अप करें, उसके बाद जाएँ यहाँ से कैची धाम टेम्पल, सो ईज़िली आपका नैनीताल कवर अप हो जाता है। और 2 डेज बहुत होते हैं नैनीताल के लिए, तो बहुत अच्छा होता है। बाकी चीज़ें यहाँ जब पहुँच जाते हैं तो सब समझ आ जाती है, बट ये कि इस टाइम पर सस्ता हो जाता है और टाइम भी मिल जाता है, क्राउड नहीं होता तो आपका टाइम ख़राब नहीं होता है। सुबह स्टार्ट किया, शाम तक आपका लगभग काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाती है, नेक्स्ट डे भी सेम कियो करो और उसके बाद में अपना एंजॉय करते रहो। चलो हमने काफ़ी मस्ती कर ली है अभी इधर भी और हम जा रहे हैं आरिफ भाई के साथ में। बोटिंग चार्जेस यहाँ लिखे मिलेंगे आपको, बहुत सारे बोट कराने वाले आसपास में मिल रहे हैं, तो आप बहुत ही आराम से यहाँ बोट करेंगे।